आज परमेश्वर के वचन की बहुत कमी है, है? सही में लोग जो है मारे तितारे, आमोस की जो भविष्यवाणी है, आमोस 8 अध्याय उसका 11-12 पद पढ़ेंगे कि जो संसार के अंदर है अन्न की भूख और पानी की प्यास नहीं होगी, परंतु किस चीज का अकाल होगा, परमेश्वर के वचन का अकाल होगा। आज वही पड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में और प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के दूसरे खंड में है 7 कलीसियाओं के नाम पत्र। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 5-6 के विषय में सीखा था कि सर्दिस की कलीसिया के जय पाने वाले लोगों को परमेश्वर क्या रिवार्ड देता है। आज हम सीखेंगे फिलदेल्फिया की कलीसिया के बारे में, उसके कुछ पॉइंट हैं उसके बारे में सीखेंगे। यदि आप फिलदेल्फिया की कलीसिया के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 7 से 13 पद तक आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो कलीसिया का थोड़ा सा परिचय है, जो ये पश्चिम एशिया माइनर का एक शहर है जो कोगा नदी, जो हर्बल की एक सहायक नदी है, उस पर स्थित था। और इसमें और भी बहुत से जो है, इसको नए तरीके से बनाया गया, नया शहर था ये, बहुत सी चीजें जो थी इसके अंदर दिखाई गई है। इसका जो अर्थ है, इस कलीसिया का जो अर्थ बताया गया है वह है भाईचारे का प्रेम। जी हाँ, भाईचारे का प्रेम जो है वो इसके इस कलीसिया का जो है फिलदेल्फिया का जो अर्थ है वो इसमें दिया गया है। इसका जो समय काल रहा है, इसका समय काल रहा है 1798 AD से लेकर 1844 AD तक इसका समय काल जो वो रहा है। इसके दूत का, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके दूत लिखा ना कि इस कलीसिया के दूत को लिख, तो दूत का नाम जो है वो मेंशन बाइबल के अंदर भी नहीं है और इतिहास में भी दूत का नाम नहीं मिलता है, इसलिए हम दूत के नाम की जो है वो चर्चा नहीं करते हैं। परंतु यहाँ पर जो है उस दूत के समक्ष मसीह का जो विवरण है, यीशु मसीह का जो परिचय है वो दिया जा रहा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 7वें पद में लिखा हुआ है, फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता है, वो ये कहता है कि, अब देखिए यहाँ पर जो यीशु मसीह का परिचय है वो दिया जा रहा है। अब यीशु मसीह का परिचय जो है वो क्या दिया जा रहा है कि सबसे पहली बात कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है। दाऊद की कुंजी रखने का मतलब अधिकार, और पवित्र यीशु मसीह जो है वो पवित्र है। परमेश्वर का वचन भी क्या कहता है, यीशु मसीह मार्ग और सत्य और जीवन है, यानी सत्य वो है, वो पवित्र है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दोष जो है वो पाया नहीं जाता है। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है, इसलिए कि वो हम मनुष्यों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जीवित हुआ 3रे दिन और स्वर्ग पर परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान बैठा हुआ है। दाऊद की कुंजी रखने का अर्थ, जैसे मैंने अभी बताया कि यानी दाऊद का जो अधिकार है, जो सिंहासन है, उसका पूरा अधिकार जो है वो उसके हाथ में है, यानी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। और लिखा है कि उस जो प्रभु यीशु मसीह ने जिस बात को, जिस काम को, जिस चीज को खोल दिया है या जिसका जीवन उसने खोल दिया है किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज के लिए, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। और जिसको यीशु मसीह ने बंद कर दिया है उसको कोई खोल नहीं सकता। कोई दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसको खोल सके, उसके बंद किए को कोई खोल सके या उसके खोले हुए को कोई बंद कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा कि जब नूह के समय में जलप्रलय आया और परमेश्वर ने उस जहाज के द्वार को जब बंद करा तो नूह भी खोल नहीं सकता था, और जो बाहर लोग थे, चाहे वो नाव के ऊपर चढ़ गए हो, कुछ भी हो, वो भी नहीं खोल सकते थे। पहली बात तो वो जहाज के ऊपर चढ़ नहीं पाए लोग, परंतु अगर यदि वो चढ़ भी जाते तो उस द्वार को वो खोल नहीं सकते थे, क्योंकि उसको परमेश्वर ने बंद किया था। तो परमेश्वर के बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता है। परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात को बताता है। फिर इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं, वो कहता है अय्यूब 12:14 में लिखा, देखो जिसको वो ढा दे वे फिर बनाया नहीं जाता, जिस मनुष्य को वे बंद करे वे फिर खोला नहीं जाता। जिस मनुष्य को, जैसे कि हमने अभी बताया कि जिस मनुष्य को वो बंद करे वो खोला नहीं जा सकता है। तो ये जो है, ये प्रभु यीशु मसीह का जो है संक्षिप्त एक छोटा सा परिचय है और जो फैक्ट है और सत्य बात है।
अब हम बात करेंगे इसके विषय में प्रकाशित वाक्य 3:8-9 पद को जरा ध्यान से सुनिएगा। 8-9 पद में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, तेरी सामर्थ थोड़ी सी है फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मैं देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं, देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ क्या है, मसी फिलदेलफिया के काम को जानता है, यानी उस समय के लोगों के, उसके दूत के काम को जानता है और वो ये बताता है कि मैं तेरे काम को जानता हूं और इसलिए तेरे काम को जानने के बाद मैंने तेरे लिए एक ऐसा द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। ये द्वार जो प्रभु यीशु मसीह ने खोला है ये वो स्वर्ग का द्वार है जिसमें वो एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी के अंदर वास करेंगे। ये परमेश्वर के वो लोग हैं जो वो परमेश्वर के साथ राज करेंगे 1000 साल तक, यानी परमेश्वर ने उनके लिए वो द्वार खोल के रखा हुआ है और परमेश्वर यही चाहता है कि ये द्वार जो प्रभु यीशु मसीह ने खोल के रखा है वो सबके लिए खोल के रखे और सब लोग उसके अंदर जो हैं वो प्रवेश कर सके। परमेश्वर का वचन जो कहता है, फिर वो क्या कहता है, देख मैं शैतान के उन सभा वालों के को तेरे वश में कर दूंगा, जो शैतान के सभा वाले वो कह रहे हैं कि मैं उनको तेरे वश में कर दूंगा, तेरे अधीन कर दूंगा, यानी वो आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे, तुझसे माफी मांगेंगे, रोएंगे, तड़पाएंगे क्योंकि उन्होंने क्या करा है, उन्होंने तुम्हें सताया है, तुम्हें प्रॉब्लम में डाला, तुम्हें परेशानियों में डाला है और इसलिए अब मैं उनको तेरे अधीन कर दूंगा, तेरे पैरों पे लाकर जो है गिरा दूंगा, वो तेरे पैरों पे आके गिरेंगे और वो ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम करा। देखिए परमेश्वर जब किसी से प्रेम करता है ना तो परमेश्वर का प्रेम कैसे दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, यहां पर दिखाई दे रहा है कि वो जो उसके विरोध में खड़े हुए थे, वो जो कितने भी ताकत वाले क्यों ना हो, कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, कितने भी पोस्ट वाले क्यों ना हो, कितनी भी समाज में रुतबा क्यों ना रखते हो, वो सब आपके अधीन हो जाएंगे क्योंकि क्यों, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और इसका उदाहरण बाइबल में बहुत बार है, बहुत से लोग ज्यादातर दाऊद का उदाहरण देते हैं, आप दाऊद को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, सब जो है अब्राहम को ले लीजिए, सब जो है परमेश्वर उनके शत्रुओं को उनके अधीन कर देता, उनके सताने वालों को उनके अधीन कर देता, उनके पैरों में ला के डाल देता है और ये दिखाता है देख मैं तुझसे प्रेम करता हूं, ये मत सोच कि मैं तुझसे प्रेम नहीं करता हूं, कि मैंने तुझे छोड़ दिया, इनके हाथ में कर दिया, ये तुझे सता रहे हैं, ये तुझे परेशान कर रहे हैं, ये तेरी चिंताओं को बढ़ा रहे हैं, ये तुझे कुछ भी कर रहे हैं, तू इस बात की चिंता मत कर, मैं तुझसे प्रेम करता हूं और इसलिए इनको मैं तेरे अधीन जो है मैंने इनको कर रखा है। परमेश्वर का जो वचन है वो बताता है। अब यहां पर जो है परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तेरी सामर्थ्य जो है वो चाहे थोड़ी सी हो ठीक है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम से इनकार नहीं करा। वो कह रहा तेरा वचन, तेरी सामर्थ्य कितनी भी थोड़ी क्यों ना हो, आज हम ताकत वाले नहीं है, पैसे वाले नहीं है, रुतबे वाले नहीं है, नो प्रॉब्लम, परंतु सबसे बड़ी जो बात है वो क्या है कि परमेश्वर हमसे प्यार करना चाहिए। अगर परमेश्वर हमसे प्यार करता है तो हमारे पास चाहे ताकत हो या ना हो, पैसे हो या ना हो, हमारा रुतबा हो या ना हो, हमें जो है कोई चिंता कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। और इसके लिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बनाना है जैसे फिलदेलफिया के लोगों ने और उसके दूत ने बनाया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो परमेश्वर का वचन कहता है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब हम पौलुस के कथन को पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 12:9 में, और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। यानी अब यहां पौलुस क्या कह रहा, बड़े समझने वाली बात है कि परमेश्वर की जो क्या है कि और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। पौलुस से प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, तू ताकतवर हो या ना हो, तू रुतवा रखता हो ना रखता हो, कोई बात नहीं, परंतु मेरा अनुग्रह जो तुझ पर हुआ है यही बहुत है, यही सामर्थ्य है मेरी क्योंकि मेरा अनुग्रह तुझ पर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आज परमेश्वर का अनुग्रह मेरे पर और आप पर है तो समझ लीजिए कि हमसे ज्यादा ताकत वाला, हमसे ज्यादा सामर्थी कोई नहीं है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो चुका है
और क्या कहता है कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जो मेरी सामर्थ है वो निर्बलता में यानी कमजोरी में है, लाचारी में, मोहताजी में जो है वो सिद्ध होती है। आज हम कुछ नहीं है, हम शून्य हैं, लोग हमें शून्य समझते हैं, कीड़ा समझते हैं, ये है क्या, मैं तो इसे ऐसे ही मसल दूंगा। ठीक है, आप मसल सकते हैं, परंतु परमेश्वर की जब सामर्थ हमारे अंदर आती है तब आप कुछ भी कर लीजिए, आप हमें नहीं मसल सकते हैं। आप ये सोचते हैं कि हम मसल देंगे, हम ताकत वाले हैं, हम पैसे वाले हैं, हम रुतबे वाले हैं, यह है क्या हमारे सामने, इसकी औकात क्या थी। हमारी कोई औकात नहीं है, मगर हमारी औकात परमेश्वर दिखाता है, हमारी औकात प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दिखाता है, हमारी औकात जो है पवित्र आत्मा की सहायता दिखाती है। जी हाँ, परमेश्वर की जो सहायता है वह हमें दिखाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता है कि मैं इनको क्या करूंगा, इन सभा वालों को, इन सबको तेरे अधीन कर दूंगा, तेरे अधीन कर दूंगा। और आप देख लीजिए क्या परमेश्वर का वचन भी क्या कहता है, एक दूसरा कुरिन्थियों और 11 अध्याय उसका 14 से 15 जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, ये कुछ अचंभे की बात नहीं क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। शैतान जो है ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है, यानी वो वैसे ही शैतान जो है ताकतवर है और अपने आप को पवित्र और बहुत उत्तम और परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर का स्वर्गदूत दिखाता, मगर है नहीं वो। और यही कार्य आज उसके सेवक भी कर रहे हैं, और ये सेवक उसका कार्य करके लोगों को परमेश्वर के वचन से गुमराह करके दूर ले जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन, आज परमेश्वर के वचन की बहुत कमी है, सही में लोग जो है मारे तितारे। अमोस की जो भविष्यवाणी है, अमोस 8 अध्याय उसका 11-12 पद पढ़ेंगे कि जो संसार के अंदर है अन्न की भूख और पानी की प्यास नहीं होगी, परंतु किस चीज का अकाल होगा, परमेश्वर के वचन का अकाल होगा। आज वही पड़ा हुआ है क्योंकि शैतान ने अपने सेवक इतने भेज रखे हैं, और वो शैतान के जो सेवक लोग हैं वो प्रभु के सेवकों का रूप धारण करके परमेश्वर के वचन को कुछ से कुछ सुना रहे हैं। आज परमेश्वर के वचन की भूख प्यास से लोग तड़प रहे हैं, उसको पाने की, उसको सही तरीके से पाने की लालसा रखे हुए हैं कि कहां जाएं, किसके पास मिलेगा, मगर परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को सही वचन देता है और देने के लिए चुनता है। फिर कहता है, देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पांव पर गिरेंगे, यानी तेरे पांव पे गिर पड़ेंगे। रोमियो 16:20 में लिखा, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। और वो कहता है कि शैतान को शीघ्र कुचलवा देगा, यानी परमेश्वर का जो अनुग्रह है, जो प्रेम है, वह हम पर जो है वह बना रहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, वह हमसे प्रेम करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, फिलदी फिलिया की कलीसिया के लोगों को और दूत को ये संदेश है, परंतु ये संदेश भविष्य के लोगों के लिए भी, यानी हमारे लोगों, हमारे लिए भी है कि परमेश्वर का यदि आप प्रेम पाना चाहते हैं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। और जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे साथ बना रहता है। फिर कितना चाहे हम कितने भी कमजोर क्यों ना हो, ये समझ लीजिए परमेश्वर का प्रेम अगर हमारे पास है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर है, और परमेश्वर की वो सामर्थ हमें हर ताकतवर इंसान पर, हर रुतबे वाले इंसान पर, हर धनवान व्यक्ति पर जो है हमें उनके ऊपर विजय बनाती है, हमें विजय ठहराती है, और ये परमेश्वर की ओर से होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन जो है फिलदी फिलिया की कलीसिया के द्वारा ये संदेश मेरे और आप तक पहुंचाना चाहता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।